फोन क्यों काट दिया? कुछ नहीं, मुझे लगा तुम कहीं किसी और के साथ मसरूफ ना हो। मसरूफ तो था। I'm so sorry. आप रहे मसरूफ, मैं फिर बात करूंगा। मरियम, तुमने इतने दिनों बाद फोन किया और बात वहीं से शुरू की है जहां पे खत्म की थी। बात तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। तुम मसरूफ हो, मैं बाद में कॉल करूंगी। मरियम, मैं तुम में मसरूफ था। ऐसा मैं तो सिर्फ एक नाम की मसरूफियत हूँ, बस एक ख्याल। वैसे लोग तो कुछ हो। मैं चाहता हूँ मरियम, तुम ये सब कुछ क्यों कह रही हो? तुम्हारी तबीयत कैसी है? ऑफिस कब से जा रहे हो? ऑफिस से अभी लीव ली हुई है, व्हीलचेयर पर हूँ, मासूर और बेबस। ऐसा ना तुम बेबस हो और ना तुम माजूर हो। जिस शख्स के इतने चाहने वाले हो वो माजूर और बेबस नहीं हो सकता। अल्लाह के चाहिए सिर्फ एक ही होता है, बाकी सब तो सराब की तरह होते हैं, शैडोस। लगता है कि है लेकिन होते नहीं है। सूरज को देख के आंखें बंद कर लेने से अंधेरा नहीं हो जाता। वैसे भी फैसल तुम्हें दीवार की तरफ मुंह करके खड़े थे। नया दरवाजा खुला है, उससे गुजर के देखो, क्या पता नया रास्ता तुम्हारा ही। मरियम, इंसान की आदत है कि वो उन्हीं रास्तों पे जाता है जो जो उसे याद हो। मुझे सिर्फ तुम याद हो। लेकिन मरियम, क्या अब मैं खुद एक दीवार बन चुका हूं? एक रुकी हुई दीवार। ऐसे मत बोलो, तुम ठीक हो जाओगे। कैसे, कब? इंसान के इर्द गिर्द अच्छे और प्यार करने वाले दिमागदार हो ना तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन तुम तो नहीं हो ना मरियम मेरे इर्द गिर्द। ना मेरी जरूरत है और ना मेरी कोई जगह है, बस तुम खुश रहो। मुझसे मिल सकती हो? मेरे घर आने पे पाबंदी है तुम अच्छी तरह जानते हो, और अब तो आंटी सब कुछ खुल के कह चुकी है। देखो मरियम, फैसल मैं कह रही थी कि तुमसे ये फैसला क्यों नहीं हो रहा? ये कागज की संजीर होंठों से ही टूटती है ना, तीन बोले तो कहने। बोल के आजाद क्यों नहीं कर देते तुम खुद को इस बोझ से? सच कहूं, इन दिनों मैंने बहुत सोचा ये करने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हारे काबिल नहीं रहा मरियम। लेकिन ये भी सच है कि हिम्मत ही नहीं हुई। हर बार ऐसा लगा कि मेरी माजूरी से तुम्हारी मोहब्बत कहीं ज्यादा बढ़ी है। मेरे लिए सब कुछ ना अब एक सवाल बन चुका है। तुम्हें नया साथी मिल गया है, तुम उसके साथ खुश रहो। मैं गहरी रात में तारे टांके, दिन में ख्वाब दिखाए, हवा दिखाए चिंगारी को, सब कुछ आप जलाए। हिजर के गहरे जख्म पहन कर आंख कोई ना रोए। इश्क न करे ओ कोई, इश्क न करे ओ कोई, इश्क न करे ओ कोई, इश्क न करे ओ कोई। अम्मी, अम्मी प्लीज मेरी शर्ट तो ला दें। ला रही हूँ बेटा। नहीं जल्दी क्या है, हाँ कहीं जा रहे हो? हाँ अम्मी, एक जरूरी काम था, मीटिंग है। ऑफिस जा रहे हो?
जी मैंने सोचा घर में पड़े रहने से तो बेहतर ही है। हाँ मैं भी यही सोच रही थी कि घर में ऐसे ही पड़े रहते हो, अच्छा है ना, बाहर निकलो, ऑफिस जाओ, मसरूफ हो, ताकि हर वक्त की ये जो टेंशन और परेशानियाँ ना खत्म हो तुम्हारे दिमाग से। जी शायद। शायद नहीं यकीनन। आप किसके साथ जा रहे हो, कोई आ रहा लेने? जी आ रही है। कौन, फारिया? नहीं मरियम। क्या क्या की क्या बात है अम्मी, वो मुझे लेने नहीं आ सकती? तुम जानते हो फैसल मैं उसे पसंद नहीं करती। अभी मैंने आपकी बात मान के सब कुछ करके देख लिया, उसे नफरत करने की कोशिश की, ये समझ के कि मैं माजूर हूँ, उसको अपने आप से दूर रखने की भी कोशिश की, लेकिन अम्मी सच माने मैं नाकाम हो गया, कुछ काम नहीं आया। वो तुम्हारी नहीं हो सकती फैसल, मैंने तुमसे कहा वो तुम्हारी नहीं हो सकती। हो नहीं सकती अम्मी, वो मेरी हो चुकी है। दूसरा सच भी सुन लो जो तुम्हारे इल्म में नहीं है, मैं ये रिश्ता खत्म करने जा रही हूँ। अच्छा कितनी देर में आ सकती हो, इससे जल्दी नहीं? ओके चलो ठीक है, ओके बाय। आज मैं बहुत खुश हूँ, ये हुई ना बात। और आप एक बात याद रखना, देखो उनसे लड़ना नहीं, कोई सफाई शफाई मत मांगना, वो खुद मिल रहे हैं ना, जो कह रहे हो कहने दे। नहीं रबाब मैं जा तो रही हूँ लेकिन यार आप ही फिर वही। देखो आप